तैयारियां जोरों शोरों पर है। घाटों पर साफ सफाई अंतिम चरण में है। छठ की तैयारियों पर छठ आयोजन समिति के अध्यक्ष प्रभुनाथ राय से बातचीत की है हमारे सहयोगी विवेक तिवारी ने। सुनवाते हैं क्या कुछ कहा गया। हमारे साथ प्रभुनाथ राय जी हैं, जो इस छठ आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं और भोजपुरी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं लखनऊ के अंदर। प्रभुनाथ जी, हम देख रहे हैं कि दशा तो अच्छी नहीं है। कल मंत्री भी आए थे, मेयर भी आई थी, क्या विश्वास दिलाया है उन्होंने यहाँ पर? नहीं, देखिए, हम लोग दो महीना से लगातार जो है गोमती की भी सफाई कर रहे हैं और छठ घाट की भी सफाई चल रही है। यहाँ की या पूरे शहर की जैसे बरसात होती है, डेंगू, मच्छर, घास, ये सारी चीज़ें हो जाते हैं। जो त्यौहार है ये कहीं ना कहीं एक संदेश देता है कि आप जो है उसको साफ सुथरा, दिवाली है, आप देखते हैं कि दिवाली में सफाई का विशेष जो है घरों के में पुताई का काम, उसी तरह छठ पूजा का भी है, छठ पूजा में भी साफ सफाई का विशेष जो है। तो ये त्यौहार जो है साफ सफाई का एक संदेश भी देते हैं। मुख्यमंत्री जी का समय मिल गया है यहाँ पर? जी, 5 बजे वो आएंगे और पहला सात को 5 बजे आएंगे, कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे, पहला अर्घ वो देंगे और उसके बाद सारे लोग जो है, और उनका विशेष जो है इस कार्यक्रम में छठ पूजा में विशेष उनका लगाव भी रहता है, चूँकि हमारे गोरखपुर के रहने वाले हैं और निरंतर जब से मुख्यमंत्री बने हैं वो लगातार हमारे मंच पर यहाँ पर छठ पूजा में आएंगे। और साफ सफाई को लेकर के, घाटों की सफाई और गोमती की सफाई दो, और दूसरा भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जो ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए तमाम यहाँ पर कंट्रोल रूम बनाए जा रहे हैं, ताकि उनके उसके द्वारा यातायात को ट्रैफिक पुलिस ने वन वे किया है। रात भर पुलिस जो है अलर्ट मोड पर रहेगी, क्योंकि महिलाएं शाम को भी आएंगी और रात में भी आती हैं, सुबह शाम आना जाना लगा रहता है। तो 6, 7 और 8 ये 3 दिन पुलिस को सतर्क किया गया है कि आप जो है, क्योंकि परिवार के साथ लोग आना जाना, तो उनके साथ किसी प्रकार का अप्रिय घटना न हो, तो इसलिए सबको निर्देश दिया गया है। बकिया यहाँ पर साफ सफाई की बात चल रही है और सारे लोग यहाँ पर आप देख रहे हैं, नगर निगम की टीम लगी हुई है। हमारे जो भी हमारे देखिए, हम 6 तारीख तक बिल्कुल इसको आचमन लायक पानी बना दूंगा। मैं लगातार लगा हुआ हूं, हमारे समाज के लोग लगे हुए हैं, हम लोग खुद झाड़ू लगाते हैं, खुद यहां सफाई करते हैं और शासन प्रशासन ने भी आश्वासन दिया है कि हम आपको 6 तारीख को शाम को बिल्कुल बेहतर तरीके से कर दूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये छठ पूजा का भव्य और दिव्य कार्यक्रम, और 7 को 2 बजे कार्यक्रम का हमारा उद्घाटन होगा। 150 कलाकार आ रहे हैं, लगभग 18 घंटा सांस्कृतिक कार्यक्रम चलेगा। 8 को जैसे सूर्य भगवान उदयमान होंगे उसके अर्ध के कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। धन्यवाद। तो प्रभुनाथ राय जी, जैसा ये बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री 7 नवंबर को 5 बजे आकर पहला अर्घ देंगे। अभी की जो स्थिति गोमती की है ये जरूर चिंताजनक है, लेकिन जैसा प्रभुनाथ राय बता रहे हैं कि उनके भी स्वयं सेवक लगे हुए, प्रशासन के भी लोग लगे हैं और आचमन लायक पानी इसको कर दिया जाएगा 6 तारीख तक, इस बात की गारंटी दी गई है। तो कुल मिलाकर के साफ सफाई बाहर की जो है वो तो अच्छी है, लेकिन गोमती की जो दशा है वो बहुत अच्छी नहीं है फिलहाल, और इसको करने के प्रयोजन किए जा रहे हैं। व्यक्तिगत